हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इट्स मी रोजी मैम हियर विद आवर टुडेज लेक्चर. इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट आवर सेकंड चैप्टर, दैट इज ट्रेनिंग मेथड. इन दिस लेक्चर वी डिस्कस द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग मेथड एंड ऑल्सो डेफिनेशंस ऑफ ट्रेनिंग. इन आवर टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द different phases of training methods. Okay, now I'm going to start our lecture. Firstly, we go for introduction. Training method ki introduction ke bare mein hum discuss karenge. Training method consists of training periods in which it splits in training session and training schedules is given. Training method consists karta hai अलग अलग उसमें ट्रेनिंग पीरियड्स होते हैं इन विच, जिसमें क्या होता है जो ट्रेनिंग है उसको स्प्लिट किया होता है अलग अलग सेशंस में, यानी कि अलग अलग सेशन बनाए होते हैं उसके एंड ट्रेनिंग उसका ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाया होता है. इन दीज ट्रेनिंग पीरियड्स वर्क इज़ प्रिपेयर परफॉर्म्ड इन सेशन एंड शेड्यूल्स इन विच इट इज़ परफॉर्म्ड इन प्रोग्रेसिव वे. तो क्या होता है जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें जो हमारा वर्क परफॉर्म करते हैं हम सेशंस में और शेड्यूल में, तो उससे जो हमारा वर्क है वो एक प्रोग्रेसिव वे में रिफ्लेक्ट होता है. ईच फेज हैज़ इट्स स्पेसिफिक एम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एथलीट्स. कहता है जो ईच फेज है इसका ट्रेनिंग मेथड का, उसके डिफरेंट जो अपने अपने जो हैं उसके डिफरेंट स्पेसिफिक एम्स हैं जो क्या करते हैं किसी भी एथलीट में डेवलपमेंट लाते हैं. ट्रेनिंग जो उसकी वो हेल्प करती है उसकी परफॉर्मेंस में. आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बेटा, इसके डिफरेंट फेजेस हैं. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेजेस, दैट इज़ योर फर्स्ट इज़ प्रेपरेटरी फेज, और प्रेपरेटरी पार्ट भी बोल सकते हैं इसको, प्रेपरेटरी फेज भी बोल सकते हैं, और हम इसको प्रेपरेटरी पीरियड्स भी बोल सकते हैं. सेकंड वन इज़ कंपटीशन पार्ट और कंपटीशन फेज और आल्सो कंपटीशन पीरियड. एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज़ ट्रांजिशनल पार्ट. फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अवर फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ प्रेपरेटरी पार्ट. प्रेपरेटरी पार्ट जो है इट इज़ यूज टू प्रिपेयर अ प्लेयर फॉर कॉम्पिटिशन. इसमें क्या होता है, कोई भी प्लेयर है जो खुद को प्रिपेयर करता है कंपटीशन के लिए. इट हैज़ थ्री पार्ट्स. इसके फर्दर कितने थ्री पार्ट्स हैं प्रेपरेटरी फेज के. फर्स्ट इज़ प्रेपरेटरी पार्ट वन, और इसके साथ ही है प्रेपरेटरी पार्ट टू, एंड थर्ड है प्रेपरेटरी पार्ट थ्री. तो इस तरह से इसके तीन डिफरेंट पार्ट्स हैं. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रेपरेटरी पार्ट फर्स्ट को. टू डेवलप जनरल एबिलिटीज लाइक स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेंस अलॉन्ग विद बेसिक स्किल. प्रेपरेटरी का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या करते हैं हम इसमें डेवलप होती हैं हमारी जनरल जो एबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि हमारी स्ट्रेंथ होती है, एंड्योरेंस होती है, और उसके साथ क्या होते हैं बेसिक स्किल्स होते हैं. बी जो है वो है हमारा प्रेपरेटरी पार्ट सेकेंड. सेकेंड जो पार्ट है उसमें क्या होता है टू डेवलप स्पेसिफिक एबिलिटीज लाइक स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी अलॉन्ग विद एडवांस्ड स्किल्स एंड टेक्निक्स. इसमें क्या होता है हमारे अंदर जो डेवलपमेंट होती है स्पेसिफिक एबिलिटीज़ की, जो कि वो है स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन है, एजिलिटी है, और क्या है इसके साथ जो है हमारी एडवांस स्किल्स और टेक्निक्स होती हैं. तो ये रहा हमारा सेकेंड प्रिपरेटरी पार्ट. देन थर्ड एंड लास्ट वन इज़ प्रिपरेटरी पार्ट थर्ड. टू डेवलप स्टैटिक स्ट्रेटजी विच डेवलप टू गेन परफेक्शन इन वेरियस टेक्निक्स ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन. तो थर्ड जो प्रिपरेटरी पार्ट है उसमें क्या होता है जो हमारी स्टैटिक स्ट्रेटजीज होती हैं वो डेवलप होती हैं. इससे क्या होता है जो भी हम वर्क या कोई भी टास्क या किसी भी पर्टिकुलर गेम या स्पोर्ट्स का जो होता है उसमें हमारी जो है परफेक्शन आती है. जब परफेक्शन आती है जब हम किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं. इसी के साथ हमारा जो ट्रेनिंग के डिफरेंट फेजेस है, फर्स्ट जो प्रिपरेटरी फेज है वो यहाँ पे ख़त्म होता है. लेकिन सेकेंडली हम मूव करेंगे अवर सेकेंड फेज में. सेकेंड फेज है कंपटीशन पार्ट बोल सकते हैं, कंपटीशन फेज और कंपटीशन पीरियड. This period is used to achieve high perfection in performance during competition.
इस ये जो पीरियड है ये कब यूज़ किया जाता है, इसलिए यूज़ किया जाता है जिससे हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें हाई परफेक्शन, मतलब अच्छे तरीके से हम कोई भी जो है उसको वर्क है उसको परफॉर्म कर सकें ड्यूरिंग कंपटीशन के दौरान। इन दिस फेज कहते हैं, इस फेज में जो है 90% जो हमारी मूवमेंट होती है उसमें डायरेक्ट एक्शन होते हैं, वाइल द रिमेनिंग जो 10% होता है उसमें क्या होते हैं, हमारे इनडायरेक्ट एक्शंस होते हैं। फर्दर जो हमारा कंपटीशन पार्ट है इसकी डिवीजन होती है 2 parts में, दैट इज़ कंपटीशन पार्ट 1 एंड कंपटीशन पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट कंपटीशन पार्ट 1, इन दिस प्रैक्टिस मैचेस आर प्लेड विद वाइल्ड करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स इज़ डन बाई कोचेज। इसमें क्या होता है, हम जो कॉम्पिटिशन पार्ट होता है उसमें हम पहले खुद को प्रिपेयर करते हैं, खुद उस मैच को या किसी भी जो कोई भी जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि क्या हो, हमारी जो मिस्टेक्स हैं हम अपने जो हमारे कोचेज हैं वो हमें यही क्लियर कर दें और हमारी जो मिस्टेक है उनकी करेक्शन हो जाए। सेकेंड पार्ट है कॉम्पिटिशन पार्ट 2, दिस इज एक्चुअल कॉम्पिटिशन इन विच हाई परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड इन दिस पीरियड। कहता है ये वो एक्चुअल, फिर वो पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, सेकेंड में क्या होता है एक्चुअल जो कॉम्पिटिशन होता है वो होता है विच हैव परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड इन दिस पीरियड। तो इसमें क्या है, जो हमारी परफॉर्मेंस होती है हाई परफॉर्मेंस इसमें रिक्वायर्ड होती है इस पीरियड में कॉम्पिटिशन सेकेंड पार्ट में। कोच मोटिवेट्स अ प्लेयर और साइकोलॉजिकल फीड इज गिवन। इसमें क्या होता है, जो हमारा कोच होता है वो मोटिवेट करता है प्लेयर को और उसके साइकोलॉजिकल फीडबैक को। इसके बाद सेकेंड जो हमारा पार्ट है कॉम्पिटिशन पार्ट वो ख़त्म होता है। थर्ड जो है हमारा वो है ट्रांजिशनल पार्ट। ट्रांजिशनल पार्ट क्या है, दिस इज़ रिलैक्सिंग और रिकवरिंग पीरियड आफ्टर ट्रेनिंग। ट्रांजिशनल पार्ट में क्या होता है, ये रिलैक्सेशन पीरियड होता है, इसमें हम क्या करते हैं रिलैक्स करते हैं अपनी बॉडी को रिकवर करते हैं किसके बाद, ट्रेनिंग के बाद। दिस इज़ डन विदाउट लॉज ऑफ फिटनेस। इससे क्या होता है, ये हम तब करते हैं ताकि इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी फिटनेस है वो क्या हो, लॉस ना हो। इन दिस प्लेयर इज़ प्रोवाइडेड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ टू मेंटेन एंड्यूरेंस फॉर नेक्स्ट ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, प्लेयर को जो हमारा कोई भी प्लेयर है जो किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है उसमें क्या कर होता है, वो रेगुलर बेसिस पे उसमें क्या करते हैं, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी ऐड ऑन कर देते हैं ताकि जो प्लेयर है वो बोरिंगनेस से थोड़ा दूर रहे। रिक्रिएशनल एक्टिविटी से क्या होता है, एंथुजियम मेंटेन रहता है और क्या होता है, हम हमारे जो कोई भी पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल है वो नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर हो जाता है। देन है फाइनल है इसका, ये हो गया आपके तीनों फेजेस। नेक्स्ट है इसका कॉन्क्लूजन। इन द लास्ट कहता है, लास्ट में वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं जो ट्रेनिंग मेथड है इज़ अ प्लान वेल इन एडवांस, इट शुड फॉलो सिस्टमेटिक प्रोग्रेशन विद ब्रिंगिंग एन डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस। कहता है इस ये जो ट्रेनिंग मेथड हैं ये वेल प्लान्ड होते हैं, एडवांस होते हैं और हमें क्या करना चाहिए, इनको सिस्टमेटिकली फॉलो करना चाहिए। इस और इसमें क्या है, सिस्टमेटिकली फॉलो करना चाहिए, इसमें कोई भी डिक्लिनेशन नहीं आनी चाहिए। इट शुड कंसीडर्ड मोटिवेशनल फैक्टर्स फॉर एवरी बेस्ट रिजल्ट। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे डिफरेंट फेजेस है इससे हमें क्या होता है, मोटिवेशनल फैक्टर है जो वो हमारे अंदर आता है, जिससे क्या होता है हमारे रिजल्ट जो हैं वो बेटर आते हैं, फास्ट आते हैं। ये था आपका सेकेंड पोर्शन जो जिसमें हमने पढ़ा डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग मैथड्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे ट्रेनिंग मैथड्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। एज इट इज़ फर्स्टली हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ट्रेनिंग मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेटर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जो ट्रेनिंग मेथड है वो बहुत ज़रूरी है किसके लिए, हमारी अच्छी परफॉर्मेंस या फिर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। ट्रेनिंग मेथड्स आर द वेज टू डू पर्टिकुलर ट्रेनिंग। कहते हैं ट्रेनिंग मेथड क्या है, वो रास्ता है, वो वे है जिससे क्या करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग को साइंटिफिक वे से परफॉर्म करते हैं।
मैन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन ऑफ लाइफ हिमसेल्फ. कहता जो मैन है वो अपने कोई मतलब परफॉर्म नहीं कर सकता, सारे नेसेसिटी फंक्शन जो हैं वो खुद परफॉर्म नहीं कर सकता. इट बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू मीट द ग्रोइंग नीड्स विदाउट कॉपरेशन. जो हमारी हमारी नीड्स होती हैं, मोर ओवर जो हमारी नीड्स होती हैं उनको ओवरकम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. इसलिए हमें क्या ज़रूरत होती है, किसी के कॉपरेशन की ज़रूरत होती है. बिना कॉपरेशन के हम अपनी डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव नहीं कर सकते हैं, ग्रो नहीं कर सकते हैं. द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स आर एज फॉलो. अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से पॉइंट हैं जिससे हम अपनी ट्रेनिंग मेथड्स को डेवलप कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ डेवलप फिटनेस. फिटनेस हम पहले तो अगर हमें ट्रेनिंग करनी है उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले फिट होना चाहिए. इट डेवलप्स द रिक्वायर्ड फिटनेस कंपोनेंट विच हेल्प इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स. इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड हमारे फिटनेस कंपोनेंट है, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ये सब हमारे अंदर, ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे अंदर होना चाहिए, जो हमें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे किसी भी गेम या स्पोर्ट्स को परफॉर्म करने में. तो इससे क्या होगा, हम हमारी फिटनेस जो है डेवलप होगी, जो हमें ट्रेनिंग मेथड्स में हेल्प करेगी. सेकेंड वन इज़ परफेक्शन इन स्किल्स. ट्रेनिंग मेथड हेल्प्स टू सफिशिएंट परफेक्शन इन स्किल्स. कहते हैं जो ट्रेनिंग मेथड है वो हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने में हमारी, कि हम जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटी या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसको परफेक्शन के साथ करें और पूरे जो उसके स्किल्स और टेक्निक्स हैं उनको फॉलो करें. इट प्रोवाइड सफिशिएंट प्रैक्टिस फॉर स्किल परफेक्शन. तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे स्किल्स जो हैं उनमें परफेक्शन होनी चाहिए. और वो परफेक्शन कैसे होगी, अगर हम क्या करेंगे, सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे. थर्ड वन इज़ सिस्टमेटिक प्रोग्रेशन. सिस्टमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो भी इम्पॉर्टेंस है किसकी, ट्रेनिंग मेथड की. इन ट्रेनिंग मेथड, कहते हैं ट्रेनिंग मेथड में द वर्कआउट इज़ गिवन इन सिस्टमेटिक प्रोग्रेशन. जो भी हमें वर्कआउट करना है वो एक सिस्टमेटिक प्रोग्रेशन वे में दिया होता है. दिस दस हाई लेवल रिजल्ट कैन बी गेम. तो इससे क्या होता है, जो हम हाई लेवल का जो हमारा रिजल्ट है वो हम गेन करते हैं. फोर्थ पॉइंट है प्रॉपर ओवरलोडिंग. ये सारे जो पॉइंट है वो प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा है, ये कोरिलेट करते हैं, लेकिन हर फील्ड में आज के इसका थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है. एज इट इज़ ही हम पढ़ेंगे, जैसे प्रॉपर ओवरलोडिंग, इट हैज़ प्रॉपर लोड ऑफ वर्कआउट. कहता है हमें जो ट्रेनिंग मेथड है सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, कि जो हमें क्या है, जो भी हमारा वर्क है उसको क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, शेड्यूल्ड वे से करना चाहिए, दस प्रॉपर अडेप्शन टेक प्लेस. अगर हम ये सब करेंगे, प्रॉपर वर्क करेंगे प्रॉपर शेड्यूल के साथ, तो क्या होगा, तो जो हमारे हैं हमारे अंदर प्रॉपर जो अडेप्टेशन होगी वो हमारे अंदर होगी. इट हैज़ प्रॉपर कंसिड्रेशन ऑफ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन. इसमें क्या होना चाहिए, फिफ्थ पॉइंट है शायद ये. इट हैज़ प्रॉपर कंसिड्रेशन ऑफ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन. कहता है इसमें ये भी इम्पॉर्टेंस है ट्रेनिंग मेथड्स में, कि हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट और रिलैक्सेशन चाहिए आफ्टर एवरी टाइम पीरियड, ताकि जिससे हम क्या कर सकें, रिकवर कर सकें. इट इज़ नीदर टू लॉन्ग और वेरी शॉर्ट. कहता है ये ना ज़्यादा लॉन्ग होने चाहिए ना ज़्यादा शॉर्ट होने चाहिए. प्रॉपर रिकवरी फ्रॉम लोड, क्या होता है ये जो ट्रेनिंग मेथड है ये लॉन्ग ना ही ज़्यादा लॉन्ग होने चाहिए ना ही ज़्यादा शॉर्ट होने चाहिए. ये मतलब अप टू पर्सन की एबिलिटी के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ताकि क्या कर सकें, कि हम कोई भी जो है उस लोड को रिकवर कर सकें. सेकंड पॉइंट है सेफ्टी मींस. सेफ्टी मींस में क्या है, ट्रेनिंग मेथड कंसीडर द प्रिवेंशन एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज. सेफ्टी मींस यानी कि सुरक्षा के रिलेटेड, हमें अपनी मतलब सेल्फ डिफेंस जो हम बोल सकते हैं. ट्रेनिंग मेथड क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं प्रिवेंशन करने में, कोई भी इंजरी जो होती है या कोई भी एक्सीडेंट होता है इस ट्रेनिंग के रिलेटेड या किसी भी फील्ड में, तो उसको क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, या फिर अगर हो भी जाता है तो उसको क्या करते हैं, क्योर करते हैं. इट ऑल्सो गिव इम्पॉर्टेंस टू सेफ्टी मीन्स. तो जो हमारी ट्रेनिंग मेथड है इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है, कि हमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर प्रिवेंशन करनी चाहिए और क्यूरेशन करनी चाहिए, कि हमें जो हमारे जो एक्सीडेंट और इंजरीज हैं हमें ना हो. सेवन्थ इज साइकोलॉजिकल फैक्टर. साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी कि हमारा मेंटल लेवल, मोटिवेशन,
एंड अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर आर कंसिडर्ड प्रॉपरली इन ट्रेनिंग मैथड, कहता है जिससे मेंटल लेवल में जैसे हमारे कोई भी हमें मोटिवेट करता है, ये क्या करता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हेल्प करता है हमारे ट्रेनिंग मैथड को इम्प्रूव करने में. एट्थ है इंडिविजुअल डिफरेंस. इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि मतलब वेरिएशन होती है हर पर्सन में. ट्रेनिंग मेथड कंसीडर द इंडिविजुअल्स एट डिफरेंसेस इन अ प्रॉपर वे अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी. तो कहते हैं ट्रेनिंग मेथड जो होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल डिफरेंस के जो इंडिविजुअल्स का डिफरेंस होता है उसमें प्रॉपर वे से होने होते हैं और अकॉर्डिंग टू पर्सन की एबिलिटी के हिसाब से होते हैं. ये थे आपके आज के सेकेंड क्वेश्चन के, जिसमें था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स. ये सारी हमारी इम्पोर्टेंस थी. 8 ही पॉइंट है इसमें आपने, बहुत इजी है बेटा, शॉर्ट ही है ये. तो लास्ट में हम पढ़ेंगे इसका कंक्लूजन. द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग मेथड इज रिफ्लेक्टिव थ्रू द कॉमन पॉइंट्स इन दिस मेथड्स, कहता है जो हमारे ट्रेनिंग मेथड हैं वो रिफ्लेक्टिव होते हैं. ये जो हमने कॉमन पॉइंट्स पढ़े थे या फिर ये मेथड हैं, फ्रॉम दिस वी कैन से दैट The training methods play a valuable role in the development of sports and game skill. कहता है इसके according, ये जो हमने पढ़ा है इसके according हम कह सकते हैं कि जो training methods हैं वो क्या करते हैं, एक बहुत ही valuable role play करते हैं किसमें, development करने में, sports या games के skills में. तो बच्चा आज का हमारा ये lecture में हमने पढ़ा कि different phases कौन से हैं training के. ये तीन phases हैं, तीनों phases फर्दर इनकी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड हैं. इसके रिलेटेड पढ़ा हमने, और सेकेंडली हमने पढ़ा था हमारी इम्पोर्टेंस क्या है ट्रेनिंग मेथड्स की. तो बच्चे आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे. थैंक यू, हैव अ गुड डे.